साइंस। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द फूड प्रोसेस ऑफ द प्लांट। टुडे आई विल टेल यू इन द फूड प्रोसेस ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स सच एज मोल्ड, मशरूम एंड फंजाई विच are known as non-green plant. They do not process chlorophyll, so they cannot prepare their own food. They get their food from dead and decaying plant and animal. I explain it. There are some plant means कुछ plants जैसे mold, mushroom and fungi, इन्हें हम non-green plants कहते हैं और इसमें chlorophyll के द्वारा food process सिंग की क्रिए फूड प्रोसेसिंग नहीं होता है। सो दे कैन नॉट, ये अपना क्या कहते हैं, फूड स्वयं नहीं बना सकते हैं और ये अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड होते हैं। कलरफुल लीव्स मोस्टली रेड आर प्रेजेंट इन सम प्लांट्स लाइक क्रोटन। दे हैव ग्रीन पिगमेंट इन बिटवीन द रेड कलर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज प्लांट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। मीन्स कलरफुल प्लांट, ये क्रोटॉन है और इसमें क्या है, कलरफुल लीव्स होती है, मोस्टली रेड कलर की होती है और इन्हीं रेड कलर के बीच में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिससे कारण ये जो प्लांट है ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना सकते हैं, अब ओन फूड बनाने में एबल होते हैं। Plant like dodder, amarebell are not able to make own food. They take support from other green plant or develop special root which penetrate into the host plant for their food. The food is generally stored in the stem, the root of dodder plant. ये dodder plant है जिसे हम amarebell कहते हैं और ये plant जो होता है वो own food बनाने में able नहीं होता है और ये क्या करता है कि other green plant को support करता है। ये अपने एक स्पेशल रूट को डेवलप करता है जो कि होस्ट प्लांट से फूड को लेती है और ये द फूड इज जनरली स्टोर्ड इन द स्टेम ऑफ द रूट डॉटर प्लांट। लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन और थॉर्न्स। कैक्टस प्लांट की लीव्स जो होती है वो स्पाइन और थॉर्न रिड्यूस करती है, स्पाइनोथॉर्न मीन्स कांटे निकालती है और देयरफॉर जो द स्टेम कंटेन क्लोरोफिल और इसका स्टेम जो होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और फूड को यहाँ पर क्या करता है वो स्टोर करता है स्टेम में। तो जनरली कैक्टस जो डिजर्ट एरिया में पाया जाता है वेयर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन प्रेजेंट, जब बहुत ही कम वाटर वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो ये वाटर के अब्सेंस में कैक्टस क्या करता है अपने फ्लैसी स्टेम पे स्टोर्ड फूड को अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए यूज करता है। ओके, क्लास नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू।